हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मिंचेडा। एक सही एंट्री और एक एक्यूरेट एंट्री और एक्सिट, एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर की मदद के थ्रू आप कैसे ले सकते हैं। आज की मिंचेडे की लाइव परफॉर्मेंस में आपको ये दिखा रही हूँ। तो इसमें से आपको फ्री डेमो चाहिए तो हमारा मिंचेडा की यही कॉन्टैक्ट यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया आप कॉन्टैक्ट नंबर में आपको कॉल करेंगे तो एक फ्री डेमो मिल जाएगा। वन डे फ्री ट्रायल यानी कि आपको यहां से मिल देगा और उसी के साथ आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूरा आपको मिलेगा। यानी कि 13 साल के हमारे सॉफ्टवेयर मिंचेडा की एक्सपीरियंस में आपको हम यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यानी कि लेटेस्ट वर्जन 8.1, यानी कि ऑलरेडी 8 क्वेश्चन और 2 स्कैनर हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अडानी पोर्ट्स की चार्ट और साथ में क्रूड ऑयल और अभी यूएस ऑयल यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर इंचेडे का पूरी मार्केट सपोर्ट करते हैं। ओके, तो मैं सीमा कृष्णा, तो फ्री डेमो के लिए हमेशा कॉल कीजिएगा। तो यानी कि 8139003994 वन डे फ्री ट्रायल यहाँ से आपको मिलेगा, उसके बाद सपोर्ट यहाँ से मिलता है। तो किस तरह लेना चाहिए तो वो सारा डिटेल्स यहाँ से जानकारी आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप देख रहे हो अडानी पोर्ट्स की चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे ब्रेक लाइन से मार्केट ओपन हुआ है। फिलहाल जो यूज किया वो मेथड यानी कि बार चार्ट है, इसमें से जो कलर इंडिफिकेशन आपको दिख रही है वो कंसोलिडेशन मार्केट की इशारा है। यानी कि मार्केट अगर वहां से ब्रेकआउट यानी कि रिवर्स होने के लिए कोशिश कर रही हो तो वो पॉइंट आपको रिवर्सल की चांस दे रहा है। तो यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर बाय ट्रेंड है, रेड कलर सेल ट्रेंड है और उसी के अलावा यहाँ पे बीच में जो कलर दिखाई दे रहा है वो रिवर्सल की सिंबल है। तो अगर समझिए, अगर कंफर्मेशन होकर हमने एंट्री लिया था तो अगर रिवर्स होने के पहले से आपको कलर चेंज देगा वो पॉइंट आपका कट कर सकते हैं। ओके, तो एंट्री कहाँ से लेना चाहिए तो वो मैं बताती हूँ। कैंडल कलर, नीचे कंफर्मेशन बार और प्राइस एंड सेल जोन। अगर सिग्नल कोई भी आता है तो आपको उसका अलर्ट मिलेगा, साथ में लेटेस्ट सिग्नल नीचे ऊपर मिलेगा और उसी के अलावा एंट्री लेने के पहले से कलर देखना पड़ेगा और नीचे के कंफर्मेशन बार की कलर साथ में सेम होना चाहिए और प्राइस एंड सेल जोन। अगर नीचे चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होगा और साथों साथ सपोर्ट भी तोड़ दिया है तो वो पॉइंट परफेक्ट है, वो पॉइंट सीधा नीचे जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे अडानी में देख सकते हो, नीचे तक गया है पर कंसोलिडेशन है मार्केट में, थोड़ा ऊपर जाके ही वह यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा था। तो ये पॉइंट हमें पकड़ सकते हैं, लगभग 552 से हमने एंट्री लिया था, 44 तक मार्केट गए थे, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमें मिला है। तो सेल की ट्रेड में सेम एग्जैक्टली बाई में भी ऐसा ही था। बाई में भी जब बाई सिग्नल आए थे तब वहाँ पे कंफर्म नहीं था, तो हमें ब्रेकआउट जब दिया था तो यहाँ पे जब मार्केट यानी कि रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहा था ये पॉइंट पकड़ सकते थे। वहाँ से एग्जाम्पल 550 में जो अपन ने एंट्री लिया था, 560 तक गए थे, अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। तो आपको सीधे सीधे सामने ही दिख रहा है, तो यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर इंचेडे का एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। यानी कि दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में कलर चेंज यानी पे सेम ग्रीन देगा तो वहाँ पे ऊपर नीचे कंफर्म होगा तो हमको पता ही नहीं चले। सेम एग्जैक्टली एक और वर्जन दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7th वर्जन में इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी ये यही सेम वर्जन में आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन का मार्क यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्लाइम यानी कि कलर चेंज के बदले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने यानी कि वही ब्लू कलर यहाँ पे दिया गया है तो आपको आइडिया नहीं लगेगा मार्केट कौन सी पॉइंट में अगर रिवर्स हो रहा है। तो यानी कि एग्जाम्पल वहाँ से रिवर्स हो भी जाते हैं ना तो भी एसएल हिट हो जाता है, तो इसके लिए आपको कंसोलिडेशन के जो कलर चेंज वहाँ पे दिखेगा आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कौन सी पॉइंट में यानी कि आपको एंट्री लेना चाहिए था, वहाँ से रिस्की ट्रेड है क्या सेफ ट्रेड है, वो आपको समझने के लिए कलर चेंज बनाया गया है। ओके, साथों साथ यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का हमारा अभी लाइव चल रही है चार्ट, तो इसमें भी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया है। क्रूड ऑयल कमोडिटी मार्केट में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट करना है, 5 रख सकते हो, 5 से ज़्यादा एक्यूरेसी 15 में ही होता है। ओके, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बाई सिग्नल आए थे अप्रोक्सीमेट कल लगभग 4:30 बजे के आसपास, 6196 में बाई एंट्री दिया था, 3 टारगेट नीचे मेंशन किया। आज मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाए थे अप्रोक्सीमेट 12 बजे, 6308 में बनाए थे, सीधा 6347 तक गए थे मार्केट, अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। उसके बाद थोड़े से डाउन गए थे, वहाँ से सीधा फिर से अगेन बाई दिखा रही है पॉइंट, दोबारा आपको एंट्री ले सकते हो। ओके,
तो उसी के अलावा यूएस ऑयल देख लीजिए, फॉरेक्स मार्केट भी हमारा सबसे सपोर्ट करते हैं, पर फॉरेक्स मार्केट में रखने का टाइम फ्रेम थोड़ा अलग है, 30 मिनट्स। तो तीनों में इक्विटी मार्केट में मैंने रखा है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे में मैंने रखा है 15 मिनट की टाइम फ्रेम, और फॉरेक्स मार्केट में मैंने 30 रखा है। तो 30 में ही एक्यूरेसी इसमें सेम आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट सेल पहले ही कंटिन्यू चला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट सेल पहले यहाँ से सेल स्टार्ट किए थे, और से सीधा 2 दिनों तक लगातार सेल में थे। अभी उसके बाद लगभग 23 को, यानी कि 23 तारीख, यानी कि कल लगभग 7:30 बजे जो बाई के सिग्नल दिए थे वो अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी कि आज देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट यानी कि यूएस ऑयल में लगभग वही बाई का कंटिन्यूएशन जा रहा था, तो लगभग यानी कि 2 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिला है इसमें। ओके, तो जब तक यानी कि नीचे का ग्रीन बार कंटिन्यू है तब तक आपको बाई जोन में है, नहीं तो कलर चेंज आ जाता है ना, तो वहाँ तक आप हमको यानी कि सिग्नल कंटिन्यू कर सकते हो, तब भी हमको एक्सिट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हो। इसमें कोई डाउट लग रहा है तो कॉल कीजिएगा, फ्री डेमो अटेंड कीजिए, आपको लाइव में यानी कि डेमो किस तरह लेना है तो यहाँ पर आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।